खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां रेन रोड पर रॉयल मैरिज हॉल में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने इज्तमाई शादियों के हवाले से प्रोग्राम किया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी हसन खान। जी हसन खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रेंज रोड रॉयल मैरिज हॉल में, जहाँ पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इज्तमाई शादी का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद अमजद अली शाह साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये किन किताबों से इन्होंने ये एहतमाम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि फाउंडेशन की तरफ से आपने इन इज्तमाई शादियों का एहतमाम किया है, इसमें कोई और सियासी पार्टी ने भी आपके साथ शिरकत की है कि सिर्फ आप लोग अपनी फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मिनहाज का एज ए होल और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का स्पेसिफिकली कि हम ना एक्टिविटीज़ किसी रंग नस्ल ज़ुबान उसकी बुनियाद पर करते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज़, ना हम किसी के साथ इस तरह से कोलेबोरेशन हमारा सियासी होता है, ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मोस्टली हमारे अपने डोनर्स और अपने जो अराकीन होते हैं वो इस तरह के कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं और उसके थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये आज की जो तकरीब है ये रावलपिंडी में हमारी पहली तकरीब है, लेकिन इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे शहर हैं, मसलन लाहौर, फैसलाबाद, बदुमली, वाकेंट, सैयदवाला, दौलताला, इन जगहों पे हमारे ये सालाना इस तरह के इवेंट होते हैं और अब तक 2700 से ज़्यादा ख़ानदान जो हैं वो हम इस तरह से इज्तिमाई शादियों की तकरीबात में उनको सपोर्ट दे चुके हैं, जिसमें तकरीबन पूरे का पूरा जो जहेज होता है वो उस बच्ची को दिया जाता है और शादी के जितने भी अखराजात होते हैं वो सारे हम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वाटर पम्प्स 5000 से ज़्यादा वाटर पम्प लगा चुके हैं पूरे मुल्क में और करोड़ों का जो बजट होता है हर साल हमारा स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए, बैतुल माल के नाम से प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, दस्तरखान के प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर में हमारे प्रोजेक्ट्स चलते होते हैं। तो इस तरह की हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ कुर्बानी में, फिर हम कुर्बानी का गोश्त तकसीम करवाते हैं, ये हमारे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरह से वो चलते रहते हैं हमारे। ये चलता रहेगा, ये मौजूदा जो हुकूमत है PTI की हुकूमत, ये आपके साथ इसमें शमूलियत कर रही है इस कार्य खास में कि नहीं? असल में जैसे मैंने अर्ज़ की कि हम किसी भी गवर्नमेंट से आज तक ये मिनहाजुल कुरान का और मिनहाजुल फाउंडेशन का, किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी गवर्नमेंट किसी भी डोनर एजेंसी से आज तक हमने एक पैनी भी नहीं ली। हमारे अपने वो मेंबर्स होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हीं के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये चीज़ बताइएगा आपके और कौन कौन से शहर में क्या नाम है ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके इस वक्त वेलफेयर की एक्टिविटीज़ का? आप वो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ तो बहुत से शहरों में चलती हैं, मसलन हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो वेलफेयर के ही तहत वो पढ़ते हैं और वो तकरीबन 600 से ज़्यादा हमारे स्कूल्स का नेटवर्क है। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो भी सैकड़ों जगहों पे हमारे स्कूल कंस्ट्रक्ट हुए हैं। अभी खानेवाल में हमारे गर्ल्स कॉलेज बन रहा है जनूबी पंजाब के लिए, इसके साथ साथ जलजला जदगान के लिए ये जो जलजला फैक्ट्रीज हैं कश्मीर के मीरपुर में, वो घरों की तमीर जो है वो उस पर काम चल रहा है। इससे पहले हम रिलीफ गुड्स और टेंट वगैरह हमने तकसीम किए थे। तो ये वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हमारी तकरीबन पूरे मुल्क में वो चलती रहती हैं। एक पहली ऐसी कंट्रीब्यूशन है कि जिसमें वैसे तो 5000 टॉपिक्स का कहा जा रहा है, लेकिन अगर उनकी डिटेल में चले जाए तो तकरीबन 20000 टॉपिक्स उस इस्लामिक कुरान इस्लाम इंसाइक्लोपीडिया में डॉक्टर तारिक कादरी ने उसकी तफरीज करके पूरी उम्मा को बल्कि पूरी दुनिया को दे दिया। और उसकी लॉन्चिंग में डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मैंने आम मुसलमान को भी ये साइक्लोपीडिया कमा के आलिम बना दिया है, उसको अब जरूरत ही नहीं है कि किसी के की मिन्नतें करके जाके जाए और किसी की मिन्नतें करके कोई कुरान का रेफरेंस निकाले। आपको जो टॉपिक चाहिए आपको उस साइक्लोपीडिया से वो टॉपिक मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी तरह से हदीस का साइक्लोपीडिया तैयार हो रहा है, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह कमिंग ईयर में हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन मैंने इख्तिसार के साथ थोड़ी बहुत और जो उनकी पॉलिटिकल बेदारी जो उन्होंने दी इस मुल्क को कि आज एक आम बंदा भी पूरी आईन को वो समझता है और उसको आईन की वो शिकें अजबर हो चुकी हैं कि जो जिसमें उसके हकूक जो है एज ए वोटर और एज ए सिटीजन उसके हकूक बयान किए गए हैं।
دعائے کریمہ آپ سب کے سامنے تلاوت کی اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَسَلُّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وہ لوگ جو میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اپنا مال جو خرچ کرتے ہیں اس کا صلہ میں کیا دیتا ہوں ان کو, کمثل حبہ اس کی مثال بیج کے ایک دانے کی سی ہے. بیج کا وہ دانا جب ہم بوتے ہیں, میں چونکہ فارمر ہوں خود, گاؤں سے میرا تعلق ہے اور زیادہ تر یہ سارا ہمارا زمینوں پہ ہی رہتا ہے, جب بیج بندہ بوتا ہے تو اس سے ایک بوبل نکلتی ہے. آج کل گندم کی وہ جو ہے فصل بوئی جا رہی ہے, تو جب گندم کا وہ جو ہے دانا بوتے ہو تو اس سے ایک بوبل نکلتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہر سال یہ تقریب منعقد ہوتی رہے گی اور اس میں جو شادیوں کی تعداد ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہر سال وہ بڑھتی رہے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شہر کا فرما بردار رکھے. اور کہ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر موجود تھے مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ کچھ دولے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا کہنا ہے کہ یہ کافی حد تک پرجوش ہیں, اور سید امجد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں پروجیکٹس جاری ہیں. جی بہت شکریہ حسن خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.kornnewshg.com.